दोस्तों सीसीएस यूनिवर्सिटी की तरफ से बीएड एग्ज़ाम को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बीएड के एग्ज़ाम 16 मई से ही होंगे। जी दोस्तों, आप लोग आज की लेटेस्ट न्यूज़ देखें, दो पालियों में 16 से ही होंगी बीएड की परीक्षाएं। कोई बदलाव नहीं किया गया एग्ज़ाम डेट में। इसके आगे हम एडमिट कार्ड को लेकर भी बात करेंगे। एडमिट कार्ड अब डाउनलोड हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं, इसको लेकर हम बात करेंगे। एडमिट कार्ड डाउनलोड करके देखेंगे, ठीक है, कि एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं। फिलहाल आप लोग ये अपडेट देखें, सीसीएसयू संबद्ध कॉलेजों में बीएड प्रथम एवं द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं पूर्व निर्धारित तिथि 16 मई से ही दो पालियों में शुरू होंगी। विश्वविद्यालय परीक्षाओं में कोई बदलाव नहीं करेगा। परीक्षा में असमर्थता जताने पर विश्वविद्यालय ने 25 कॉलेजों के केंद्र बदलते हुए नए केंद्र तय कर दिए। 4 नए केंद्र भी बनाए गए हैं। इससे परीक्षाओं में बदलाव के सारे रास्ते बंद हो गए हैं। रजिस्ट्रार धीरेंद्र कुमार के अनुसार परीक्षाएं 16 मई से ही होंगी। छात्र किसी भी तरह की अफवाह से बचें। तो 25 एग्ज़ाम सेंटर चेंज हो गए हैं, ठीक है। 25 कॉलेज ऐसे हैं जिनके एग्ज़ाम सेंटर चेंज हुए हैं। 4 नए एग्ज़ाम सेंटर भी बनाए गए हैं। सभी स्टूडेंट्स के लिए बड़ी अपडेट है। इसके अलावा चलिए अब आपको दिखाते हैं कि एडमिट कार्ड अब डाउनलोड हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं। आपको लेकर चलते हैं डायरेक्ट वेबसाइट पर। उससे पहले आप लोग ये एग्ज़ाम सेंटर चेंज की लिस्ट देख लें। ये हैं कॉलेज, ये पहले बनाए गए एग्ज़ाम सेंटर हैं और ये अब बनाए गए एग्ज़ाम सेंटर हैं। इस लिस्ट को आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आपको दिखाते हैं एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहे हैं फिर नहीं हो रहे हैं। अब हम यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गए हैं जहाँ से एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहे हैं। ये डायरेक्ट वेबसाइट है। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग जाइए और ट्राई करिए। सबसे पहले आपको कॉलेज का नेम सेलेक्ट करना है, ठीक है। ये इस लिस्ट में से आपको कॉलेज का नेम सेलेक्ट करना है। अब इसके बाद में आपको अपना एग्जामिनेशन सेशन सेलेक्ट करना है, ठीक है। इस तरीके 2023-24 सेलेक्ट कर लेंगे। अब आइडेंटिफिकेशन टाइप में आपको जो भी चीज़ सेलेक्ट करनी हो, फॉर एग्जांपल आधार नंबर, एनरोलमेंट नंबर, एग्जाम फॉर्म नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन या फिर रोल नंबर, कोई एक चीज़ यहाँ पर आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे और उसी चीज़ का नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद में आपको दिख रहा होगा गेट स्टूडेंट डिटेल्स, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद में आप नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद में आपको आपका एनरोलमेंट नंबर वगैरह, आपका नेम वगैरह, कोर्स वगैरह, ईयर वगैरह सब दिख जाएगा, ठीक है। साइड में अगर आपको यहाँ पर दिखता है नॉट एलोकेटेड एग्ज़ाम सेंटर, तो अभी आपको भी एग्ज़ाम सेंटर अलॉट नहीं हुआ होगा, ठीक है। इन स्टूडेंट्स का जो है एग्ज़ाम सेंटर जो स्टेटस है उसका नॉट एलोकेटेड दिखा रहा है, मतलब इनको एग्ज़ाम सेंटर अलॉट अभी नहीं हुआ है, इसलिए इनका एडमिट कार्ड भी अभी नहीं शो हो रहा है। अगर आपके सामने भी इस समस्या आ रही है तो आप कुछ टाइम का वेट करिए, ठीक है। 16 मई से एग्ज़ाम है, हो सकता है आज शाम तक या फिर कल तक आपकी दिक्कत सॉल्व हो जाए। यहाँ पर लिखा है कि एडमिट कार्ड डाउनलोड विल बी अवेलेबल ओनली इफ़ एग्ज़ाम फॉर्म स्टेटस इज़ वेरीफाइड बाय कॉलेज एंड एग्ज़ाम सेंटर इज़ अलॉटेड। अगर आपका फॉर्म का जो स्टेटस है वो कॉलेज से वेरीफाई हो जाता है और सेंटर अलाउड हो जाता है आपको, तभी एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा, ठीक है। क्लियर यहाँ पर लिखा है। तो इनका जो है एग्ज़ाम सेंटर अभी अलॉट नहीं हुआ, इस वजह से एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो पा रहा है। तो अगर आपके सामने भी ये समस्या आ रही है तो आप कुछ टाइम का वेट करिए। बाकी हम लगातार साइट पर बने हुए हैं, जैसे ही एडमिट कार्ड डाउनलोड होना शुरू हो जाएंगे मैं आपको दोबारा से वीडियो में आकर अपडेट कर दूंगा। बाकी आप इस वेबसाइट पर आकर इस तरीके से विजिट करके इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करके देख सकते हैं, ठीक है। अधिक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, सभी फ्रेंड को ये वीडियो शेयर जरूर करिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।